आराम से मेरे मूड पे डिपेंड करता है। देखो मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ आज, और आज दीपक जी आपको धमकी मिल रही है, करूंगी ये चीज। आदर्श सुनो तो, मैंने ये सोचा कि मैं आज दीपक को ये धमकी दूंगी, लेकिन मैं ये देख रही हूँ इनका आज का हुलिया देख करके, यार ये तो नंगे हुए पड़े हैं यहाँ पर, आपके मैं प्यार क्या में। इनका खुलासा करूं क्या? पर सबसे पहले खुद ही अपनी मैं वही तो जसलीन, इन्होंने है ना आज यहाँ पे आकर है ना सबको हक्का बक्का कर दिया कि व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई ही इज डूइंग, ये तो कई बार यही जानते शायरी। बेबी क्यों करोगी तुम मेरा खुलासा, मेरे फैंस देंगे मुझे करना पड़ेगा आपका खुलासा, क्योंकि मेरे फैंस देंगे मुझे दिलासा, मुझे अब दिलासा की जरूरत है। मुझे एक और बात बताओ आदर्श, सुनो ये दीपक ने सर पे जो लगा रखा है, तुमने ये क्यों लगाया दीपक? तुम्हारे ये तो बाल सुखाने के लिए होता है ना ये टकले? हाँ, ये बाल सुखाने के लिए होता है। मैंने एक्चुअली वो दो जसलीन यू नोटिस दिस, और मैं ना जब देख रही थी ना मेरे को समझ ही नहीं आया कि इनके सर पे बाल है नहीं है। मैंने वो इसीलिए पहना है क्योंकि जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नहीं नहीं आज मैं दीपक से वो गाना जरूर गवाऊंगी, वो निहाले मस्ती वो वाला तो जरूर देखना है मुझे आज दीपक का। दीपक जी करिए लाइव ओपन इससे किया जी। हाँ ले मिस्किन मुकुंद बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा भूल है सुनाई देती है जिस की धड़कन हमारा दुनिया तुम्हारा दिल है जी। हाँ ले मिस्किन मुकुंद बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है। बंदा सामने से ऐसे बिहेव करे तो कोई उसको क्या डांटे मुझे बताओ। मेरा थोड़े-थोड़े टाइम की ना गुस्सा ऐसा शांत हो जाता है, मेरा बीपी इनको देख के हाय होता है, और फिर जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे लगता है हाय बेचारा ये कितना प्यारा है। दीपक कलाल सबको बांटे तो क्यों बोला उसको कोई डांटे? हमें नहीं चाहिए। आपको डांटने वाले भी है पता है, पर आप जब डांट खाते हैं ना तो आप चुप हो जाते हैं। और फिर आज आदर्श भी हमारे साथ है, जसलीन भी है। जसलीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे विश करना चाहेंगे, आज अनुप जलोटा सर का बर्थडे है एंड वी आर विशिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स वाइल एप्लीकेशन। तो दीपक जी आप भी विश करना नहीं चाहेंगे अनुप जलोटा सर को? हाँ, तो अनुप जलोटा का ये जो 120th बर्थडे है तो उसके लिए मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये इंसान मार खाएगा मेरे से, मैं बता रही हूँ। तुम जहाँ मिल गए मार खाओगे मुझसे। किसने बोला तुम्हें 120th बर्थडे उनका? तो तुम कभी अनुप जी के लिए मेरे सामने तमीज से बात कर सकते हो? तुम जानबूझ के चिढ़ाने के लिए मुझे सारी शुभकामनाएं, और मुझे एक बात बताओ ये क्या तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है? हाँ, तुम्हें पता है आदर्श कौन है? लेट इज लव फर्स्ट, अदरवाइज आज नहीं हो पाएगा। मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, आई कांट कंट्रोल ह्यूमन। अरे ये जो आदर्श है मैंने इसके वीडियो देखे हैं, ये आदर्श के मैंने वीडियो देखे हैं। तुम तो उसी की वीडियो देखोगे अब आदर्श, तुम्हें पता है क्या तरह तुम कर रहे थे ये आदर्श ये और वो, तुम तो उसी की वीडियोस देखोगे। अरे ये कल्याण डोंबिवली में वहां पे वड़ा पाव के प्रैंक्स करता है। एक बार तो इसने कल्याण रेलवे स्टेशन पे एक वड़ा पाव वाला था उसके 10 रुपए के लिए उसको इतना परेशान किया, इसके सब मैंने वीडियो देखे हैं। और जब ये प्रैंक करके कल्याण के रेलवे स्टेशन के सामने वड़ा पाव वाले को परेशान करता है तो ये क्या तुमको ये सांत्वन करेगा और ये क्या तुम्हारे प्रॉब्लम उलझाएगा? ये खुद ही एक प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ दीपक, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आदर्श यहाँ पे बैठा है, अब तुम्हारा ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो? सच सच बताओ। आदर्श जो है वो मुझे कोई अफगानिस्तानी मुस्टंडा पठान लग रहा है, और मुझे पठान लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं।
अब नाउ आप दीपक जी ये भी बोलेंगे कि मुझे आदर्श के बालों से भी जलन हो रही है, आदर्श ने इतने अच्छे अच्छे इतने पॉप कट रखे हुए हैं। लेकिन इसकी बियर्ड मुझे थोड़ी बियर्ड लग रही है। वो टकले है ना, तो जलेंगे ना, उनका काम है वो टकले। क्योंकि यहाँ पे मुझे दाढ़ी से ज्यादा आईब्रो पेंसिल ज्यादा मतलब यूज की ऐसे लगता है। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों बैठे हो, क्या कर रहे थे तुम ऐसा, मतलब जो तुम ऐसे बाहर निकले हो? एक्चुअली मैं जस्ट बाथटब में मेरा क्लियोपेट्रा बाथ लेने के लिए जा रहा था। मैंने रोज पैलेट बिखेर के रखे और उसके बाद में मैंने बबल्स भी लिए और उसके बाद में बस मैं बबल बाथ लेने वाला था। इतने में मैंने देखा तो मैंने देखा कि घची में 10 बज चुके और मैं वैसे ही तौलिया लपेट कर यहाँ पे आ गया क्योंकि मैं हाँ तो मेरे लिए बहुत जरूरी था। सब कुछ इनका है, सब कुछ इनका है, कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे मेरे मुरीदों का यहाँ पे टाटा लगा है तो उनको रिझाने के लिए बहुत जरूरी था मेरा आना। और इसीलिए बांधा है ना, खुल तो नहीं जाएगा। हाँ ये बहुत बार ओझल हो जाता है। एक बार मैं बिगो लाई पे था और ये नाचते नाचते टॉवल मेरे तन बदन से ओझल हो गया और मेरी लाइव हमेशा के लिए बैन हो गई। एक बार डांस करके दिखाइए दीपक जी, एक डांस तो बनता है। तुम्हें देख के लोग डर गए होंगे, तुम्हें देखकर क्या देख लिया उन्होंने। ये जो लाइव है उसका कैप्शन है, जस्टिन ने खोले दीपक कलाल के राज। जरा मैं भी तो जानू कौन से वो राज है जिसे खोलने में जस्टिन पास नहीं आ रही है, जरा मैं भी तो जानू। पहले रुको तो हाँ, जस्टिन अभी बताएंगी आज। पहले आपको आज जस्लीन जैसे आई है ना, तो आज जस्लीन ने एक्चुअली बोला भी था कि आज कुछ राज और कुछ समथिंग कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, तो कि तैयारी हो जाएगी। और जस्लीन लग भी रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये बकरा है। तो और अभी आपको पता है लास्ट लाइव में एक लाइव के अंदर ना वो एक मैजिशियन आए थे योगेश जी, उन्होंने है ना एक मैजिक किया था जिसके अंदर नाम में जस्लीन का एकदम से वो खुला नाम आया। और ठीक है तो हाँ आपका नाम आ गया, तो सब लोगों ने हाँ करेगी। मुझे पता है क्या लगता है कि मेरी ना सब दीपक से शादा करा के ही छोड़ेंगे अब। Yes, जिस तरह लोग भी पीछे पड़ गए हैं ना, लोग शादा करवा के ही छोड़ेंगे। एक बात बोलूं मैं, मतलब एज अ लाइक मैं अगर दीपक जी की तरफदारी करके बोलूं थोड़ा बहुत, हाँ जिसको ऐसी बारबी डॉल सी लड़की पसंद आ रही होगी तो वो भाई इतनी फाइट तो कर ही लेगा है दीपक जी। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे डुअल पर्सनालिटी बनके इसीलिए आया हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने जस्टिन मथारो को मेरा मर्द वाला अंदाज दिखाया था, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं आज इस परी के रूप में आऊं। हो सकता है कि मेरा तुक्का अगर यहां ना लगे तो फिर आदर्श शुक्ला के साथ भी लग सकता हूँ। यार से दूर रहता हूँ, मैं डरता हूँ बहुत दीपक जी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ अभी। अरे यूपी के लोग, आप यूपी के लोग बातें करने में तो डरते हो लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर वन होते हो। Yes. दीपक इसीलिए तो जानते हो या नहीं तुम क्या बोल रहे हो मैडम? मेरा और दीपक का जो राडा चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है। आप टेंशन मत लीजिए, अफेयर का नाम भी मत देना है इसे। यहाँ जितने लोग हैं ना सब जानते हैं इसके बारे में कि ये दीपक जो अरे अनुज जलोटा जी के पहले जस्लीन मथारो उससे शादा करना चाहती थी। अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप टाइप करो आपकी, बट दीपक जी आप शादा जसलीन के साथ करना चाहते हैं और आप वीडियोस राखी सावंत के साथ पोस्ट करते हैं अभी भी। मैंने और राखी के कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे यूट्यूब पे तुम दोनों बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा बिहेव करते हुए? क्या क्या बोल रहे हो जो मैं यहाँ पे इट्स फैक्ट के ऐप पे बोल भी नहीं सकती हूँ? और तुम पूरे पब्लिक एक्चुअली राखी जो है वो बहुत ही बोल्ड है, राखी जो है वो बहुत ही बोल्ड है। और जब राखी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके बोल्डनेस को, उसके खूबसूरती को देखकर मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया और मैंने ऐसे कुछ बोल दिया।
एक्चुअली मैं जो बोलता हूँ वो सुर्खियां हो जाती है, तो आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। वो सुर्खियां नहीं थी, तुमने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने और राखी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, पर तुम तो लगे हुए थे और उसके एक हफ्ते पहले तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं तुमसे शादा करना चाहता हूँ, और तुमने इतनी गंदी गंदी बातें की और तुम मुझे बोल रहे थे लाइव सुहागरात करेंगे ये, और वहां जाके तो तुमने हाँ, क्योंकि लाइव सुहागरात होने वाली थी ना। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ लाइव सुहागरात की बातें की थी, लेकिन जब मैं पंजाब में स्वर्ण मंदिर गया था वहां पे कुछ पंजाबी लोगों ने मुझे धर दबोचा, वो तुम्हारे कम्युनिटी के थे, उन्होंने मुझे कहा क्या रे वाह वो जसलीन से शादा करेगा क्या तू, वो हमारे कम्युनिटी की है, वो खन्ना की है, और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऐसे धर दबोचा। तो मैंने उससे कहा कि बॉलीवुड में ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती है, लेकिन उन्होंने वो हट्टे कट्टे सरदारों ने मुझे दो चार झाड़ दिए, और इसीलिए मैंने सोचा कि जसलीन एक सरदारनी है, अगर ये लोगों ने मुझे बेघर कर दिया तो मैं घरदारनी भी नहीं रहूंगी, और इसीलिए मेरे राखी सावन के साथ अफेयर कंटिन्यू किया, क्योंकि ये सरदार मेरे ऊपर अत्याचार न करे, क्योंकि वैसे सरदार बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहती है ना, क्योंकि तुम्हारे पास लॉस एंजलिस का घर है, मायामी के क्रूज है, और दुनिया की खूबसूरत लड़कियां आगे और लड़के पीछे डोलते रहते हैं। कौन डोलता है तुम्हारे पीछे, डोलते रहते हैं। अभी देखो टोन भी बदल गई है इनकी, तुम लोग समझे नहीं क्या बोला, तुम लोग दोनों ही समझे नहीं इन्होंने क्या बकवास की है इस वक्त। समझ गई मैं, समझ गई जसलीन, मैं तो इनको शुरू से देखते हैं। आदर्श आज हमारे साथ अभी आए हैं, आदर्श को आधी कहानी बताए, मतलब 1/4 बताए, पर पूरी स्टोरी हम भी जानते हैं आपके साथ में। शुरू से मैं देख रही हूँ इनकी डबल ड्यूअल पर्सनालिटी, थर्ड पर्सनालिटी, फोर्थ पर्सनालिटी, कितनी पर्सनालिटी बोलूं मैं। अरे ये तो बहुत, और तुमने ये क्या कर लिया, क्योंकि आजकल फैशन है टकला होने की, बड़ी बड़ी फैशन मॉडल्स रैंप पे ऐसे 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 चलती हैं, और उसके बाद में वो कैटवॉक करती हैं। आजकल तो जैसे मुझे ना इनकी एक और बात अच्छी नहीं लगी दीपक की, कि ये बोलते हैं कि मैं पहले बहुत अच्छा था पर मैं जसलीन की वजह से इंस्टाग्राम की हिज्जी दीदी बन गया हूँ। मैंने तुमको कब हिज्जी दीदी बनाया इंस्टाग्राम की, तुम हिज्जी दीदी हो ही पहले से, मैंने तुम्हें बनाया नहीं है, तुम बने हुए हो पहले से, और मेरे पे ब्लेम कर रहे हो इस चीज का। अरे मैंने जब तुम्हें कहा कि जसलीन तुम एक सिंगर हो, तुम मुझे गाना सिखाओ, तो तुमने मुझे वो गाना सिखाया, चढ़ गई गाली तेरी नार सुने रिकॉर्ड है मैं, चढ़ गई गली तेरी नार सुने रे कॉट है मैं, और तब से मैं इंस्टाग्राम की सबकी लाडली हिज्जी दीदी बन गई। आदर्श मैं आपसे ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज आज जसलीन और मैं बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, आज यहाँ पे वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, तो आपसे आप ही बोल दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदर्श जो है ये बार बार जसलीन को ऐसे देख के आगे आगे क्यों हो रहे हैं? मैं आपको देख के थोड़ी पीछे मुंह करो, तो मेरा ये क्या है, जसलीन यहाँ पे ऐसे बैठी है, आप क्यों जल रहे हो, आप क्यों जल रहे हो, तुम्हें जलन होने लग गई, तुम्हें लग रहा है दीपक जी लाइव में स्क्रीन पे हम अपनी मर्जी से एडजस्ट थोड़ी कर सकते हैं, वरना आपको दीपक मैं आपको जसलीन के साथ जसलीन यहाँ पे ऐसी बैठी है, और उसके बाद में ये ऐसे झांक झांक के कुछ अंदरूनी परीक्षण कर रहे हैं। उसकी आंखें तुम्हारी तरह गंदी नहीं है, उसकी नजरें साफ है, और वो बेचारा बहुत ही शरीफ इंसान है, जरूर कोई ये देखो ये देखो ये ऐसे ऐसे देखो ये ऐसे देख रहा है, ये ऐसे देख रहे हो, ये देखो अभी तुम देख रहे हो, देखो उसके बहाने तुम आगे आ के देख रहे हो, ये जल रहे हैं, ये जल रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, जल रहे आप क्यों जल रहे हो, और तुम्हें क्यों, एक सेकंड, तुम्हें क्यों, तुम क्यों पजेसिव हो रहे हो बाय द वे मुझे लेकर, तुमको क्या राइट है भाई पजेसिव होने का, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे कोई भी देखे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर मुझे देख रहे हैं वो मुझे पसंद करते हैं तो मुझे पसंद कर सकते हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे लेकिन ऐसे 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 करके ये क्या देख रहा है, ऐसे ये ऐसे ये क्या है ये, अरे देख रहा हूँ देखना है आपका आदर्श पैसे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक तुम्हारी लाइव देखी थी मैंने जहाँ पे चार लड़के बैठे थे और उनमें से तुम्हारे सबसे फेवरेट लड़के को कोई और बात कर रहा था, तो तब तो तुम वहां भी जल रहे थे, तब तो तुम कह रहे थे ए ये बॉडी बिल्डर मेरा है तू क्यों उसको देख रहे हैं, ये तो तुम तब भी कर रहे
रहे थे, और आज तुम आदर्श को भी ये बात बोल रहे हो, तो तुम डिसाइड करो पहले तुम्हें क्या चाहिए, कि लोग मुझे देखें या तुम उन बॉडी बिल्डर्स को देखो, क्या है तुम्हारी चॉइस? और ये जो तुम्हारा बार बार डर लग रहा है कि तुम्हारा टावल नहीं गिर जाए। आदर्श जी, जब जसलीन सुनो ना, आज जब यहाँ पे दीपक जी ने टॉवल पहन ही लिया है और मुझे इनको देखकर है ना आज लाइक डीडीएलजे की काजोल याद आ गई एकदम से। हाँ, तो हम कुछ ऐसे ही चाह रहे हैं कि ना आज जसलीन गाए और दीपक जी डांस कर दिखाए। क्यों आदर्श? तो कह रही है मेरी मम्मी यहाँ पे कह रही है कि आदर्श बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका है आज, कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। सारी हरकतें देखकर वो कुछ नहीं बोल पा रहे कि हो क्या रहा है। वो हरकतें देखकर नहीं, वो संतरे देखकर स्पीचलेस हो गया है। पागल हो गए हो क्या? आप कुछ भी बोल रहे हो दीपक जी, इट्स वन की लाइफ में भूल जाते हो क्या आप? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, फालतू में कर रही है, दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं ना बेचारे उसके दिमाग में ये सब बातें। तुम तमीज से बात करोगे? एक तरफ तो मुझे पसंद करते हो, दूसरी तरफ मेरे लिए ऐसी बातें बोल रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, इसने कहा नाचे नागिन गली गली। तो मैंने कहा कि कहीं ये किसी दूसरी की गली में तो अपनी नागिन नहीं नचवाना चाहता है? नहीं मुझे शौक नहीं है, समझ में ज्यादा मत बोलो यार। तुम मुझे पसंद करते हो कि ड्रामा करते हो खाली? क्योंकि अगर तुम जेन्युइनली मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करने की बात करते हो, तो तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड या किसी ऐसी लव इंटरेस्ट के बारे में ये बात नहीं बोलोगे। ये जलता है, सॉरी उससे गलती हो गई, मजनू जलता है। कितनी गलती है तुम्हारी, जिंदगी में कभी कंसिडर नहीं करूँ, जिंदगी में नहीं। मैं अकेली बैठूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी, तुम्हें तो कभी नहीं देखूंगी, बाहर में जाओ तुम। रो बैठ के ब्रेकअप पार्टी आज, फिर मैं ही खुद ऑपरेशन करके दीपिका बन जाऊंगी और इसके साथ चली जाऊंगी, फिर तू रहो अकेली जिंदगी भर। आप अकेले रहना, शादी मत करो। जसलीन कहां सर, कहां से मार रही हो थोड़ी देर के लिए? इस इंसान हम जिंदगी में रहेंगे अकेले, हम जिंदगी में रहेंगे अकेले, एडजस्ट कर लेंगे एक डजन केले। उन बिचारों को पूछ तो लो यार, आदर्श से भी तो एक बार पूछ लो कि क्या वो तुम्हें रखना चाहते हैं दीपिका बना के। शर्म नहीं आ रही उनको बोलते हुए? आई एम नॉट इंटरेस्टेड दीपक जी। आदर्श अगर वो एक्सेप्ट करोगे? नो, ओरिजिनल दीपिका पादुकोण आएगी तो एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, पर दीपक कलाल को कौन देखेगा? अरे वो शादीशुदा है, वो आदर्श हद्दी कर रहे हैं आप भी दीपक कलाल वाली कंडीशन में आ रहे हो। दीपिका आएगी, दीपिका पादुकोण से शादी करेगा, जब वो हरे कोण में जाके पादु पादु करेगी तब क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तुमने सुना ठीक है, तो आप कनिष्क का तो आदर्श यस, ये दीपक वापस बोला, दीपिका पादुकोण से शादी करेगा, अगर वो हरे कोण कोण में जाकर पा देगी तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ज्यादा बोल रहे दीपक जी आप। आदर्श थोड़ा फॉर्म में आओ यार, क्या कर रहे हो फॉर्म में? बहुत जसलीन, जसलीन तो फॉर्म में लाते हैं ना, बहुत सच बता रहे हो, फॉर्म में लाते हैं ना ये आपका लाइव है। आप सिंगिंग करोगे मेरे खाबों में आए और आज दीपक डांस करके दिखाएंगे, और वही डांस चाहिए डीडीएलजे वाला। रेडी? कौन सा वाला? मेरे खाबों में जो आए। अच्छा नहीं, वो नहीं, दूसरा वाला, वो चेहरा क्या देखते हो? अरे नहीं, मेरे खाबों वाला, मेरे खाबों में जो आए। चलो हाँ। अच्छा, बस अपना टावल का ध्यान देना, कहीं वो तुम्हारे तन बदन से ओझल ना हो जाए यार। और अब अच्छा जी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ओ शिट मैन, ओ गॉड, आई एम गोना गेट अ हार्ट अटैक। दीपक चलो रेडी, आपके मम्मी पापा अगर ये देखेंगे तो क्या आपकी शादी कराएंगे? मेरी मॉम देख रही है और वो पूरा जसलीन पंप दे रही है कि तुम थोड़ा फॉर्म में आओ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल रखा था कि मेरी सपोर्ट में आज आदर्श आने वाले, और आदर्श फुल मजे ले रहे हैं। क्या बोलूं उसको, वो ऐसा
वो ऐसी हरकतें कर रही, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मैं शांत हो जा रहा। मैं अकेली कनिष्का और मैं अकेले पड़ जाते हैं यार, तुम तो टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए क्या फाइट करूं उसके साथ। तो दीपक जी बैठिए, आप मत सुना। अच्छा पहले गा दूं उसके लिए, वो मॉडलिंग कर रहा है वहां पे, कर दो ठीक है गाओ। मेरी ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। ओ दीपक जी बैठ जाओ। मेरी ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरी ख्वाबों में जो आए। वाह 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 दीपक जी, एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और, दीपक एक लाइन और, ट्वर्क करके दिखा दो। हां वाला जो पैट टॉवल वाला सीन है ना, वो वाला प्लीज वाला ट्वर्किंग करके दिखा दो। दीपक जी वो बैक टॉवल वाला जो सीन है ना, प्लीज वो वाला भी। ओ बेबी मुझे तो सुनो जस्टिन, मुझे तो तुम्हारी लत लग गई। हां ठीक है बेईमान। हां ठीक है बेईमान, ओ दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बस तेरी यादों में जी तो ना 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 लब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई जमा गई, लत गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग बस करो दीपक जी, बस कंट्रोल। दीपक जी की लग कवेल खुल गई। दीपक आवाज तो नहीं खुला? नहीं। Oh God. मैं एक बात बताऊं, मैं ना मैं इंतजार कर रही हूँ, बहुत से लोगों का बहुत किया तो क्यों खुलेगा मेरा तौलिया। नहीं दीपक, पर मनी मन में इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारा टावल थोड़ा ओझल हो जाए तुम्हारे तन बदन से। मन ही मन की बात बता दी, खोल दो दीपक जी टावल हटा दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा टावल ऊपर से ओझल हो जाए, मेरा टॉवेल उस ऊपर से ओझल हो जाए और तुम्हारे यहाँ पे चुंदरी बनकर गिर जाए, ताकि हमारे ये जो है ये शो में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। शुक्ला मैं शुक्ला शुक्ला जो है इसका शो में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जल क्यों रहे हो आप मुझसे एक एक बात बताइए, आप मुझसे जल क्यों रहे हो? 13,000 लोग देख रहे हैं हमें और ये बकवास सुन रहे हैं। सच में दीपक तुम एक काम करो शुक्ला, तुम है ना नागपुर जाके दो संतरे खाकर आओ। मैं खा नागपुर जाओ। आप क्यों जल रहे हो? आप क्यों जल रहे हो? मैं संतरे खाऊंगा, एप्पल खाऊ, कुछ भी खाऊ। वो कितना शरीफ है यार, तुम केले खाओगे क्या? दीपक क्या बोल रहे हो तुम? इतना शरीफ लड़का है वो, क्या बोल रहे हो उसके बारे में? तुम्हें अच्छा लग रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए क्या? ताका झांकी करने के लिए आया है? आपकी पोल खोल रहे, ध्यान से सुनो, हम थोड़ा डांस करवा रहे थे, अभी आपकी पोल खुलेगी समझे? मैं अभी तक कुछ बोला नहीं। 13,000 लोग देख रहे हैं यार, तुम उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसे बकवास कर रहे हो, इतना तो देख ही नहीं रहा है यार। दीपक जी आप देखो, आप बार बार है ना आदर्श को पॉइंट आउट कर रहे हो। जसलीन के साथ आपका लफड़ा है, आई नो, ठीक है हम समझते हैं। मुझे देखना है ना, मैंने कभी देखो आदर्श जी कैसे लग रहा हूँ।